हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं कवर अप करूंगा राष्ट्रपति भवन पे। राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति भवन की जो सिक्योरिटी में जो गार्ड्स तैनात हैं यहाँ पे, उनसे मैं मिलाऊंगा आपको। और यहाँ पे मीन्स अगर आप विजिट करना चाहें कभी राष्ट्रपति भवन की तरफ, बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे पहले एक मुगल गार्डन था। मुगल गार्डन पे लोग विजिट करते थे, काफ़ी सुंदर है वो, काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है उसको। राष्ट्रपति भवन अपने आप में ही बहुत ही खूबसूरत है, लाजवाब है। वहाँ अगर आप हर कोई जो है विजिट करने की सोचता है, इस राष्ट्रपति भवन में किस तरह से रह सकते हैं आप, वो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो बने रहेगा सिलसिले लास्ट तक और चलते हैं आगे की तरफ, राष्ट्रपति भवन की तरफ। जो एरिया आपने देखा होगा, ये काफ़ी बार आपको दिखा होगा न्यूज़ चैनल पर। यहाँ की जो कवरेज है, यहाँ पे 24/7 जो है मीडिया अवेलेबल होती है। काफ़ी दूर हूँ मैं, काफ़ी डिस्टेंस है। ये है राष्ट्रपति भवन, ये वाटर पार्क आपको दिख भी रहा होगा। और यहीं से जो है अपोजिट में आपको जो है इंडिया गेट मिलेगा। यहाँ पे भी काफ़ी चेंजेस हो गए हैं, पहले जो जो चीज़ें नहीं थी वो चीज़ें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। ठीक है, शुरू से लेकर लास्ट तक। और मैं आपको बताऊँगा कि आप राष्ट्रपति भवन में भी एंट्री कर सकते हैं। वहाँ पर राष्ट्रपति मीन्स राष्ट्रपति भवन पे राष्ट्रपति के लिए बहुत सारी फैसिलिटी होती है। वहाँ पे सब्जी का जो फॉर्म होता है वो भी वहीं पे उगाया जाता है। और उनके लिए जो है फल फ्रूट्स जितने भी चीज़ें होती हैं ऑर्गेनिक, सारी की सारी राष्ट्रपति भवन के आगे ही या उसके अगल बगल में ही जो है वो अवेलेबल होती हैं। राष्ट्रपति जो है वो एक फील करता है एक राजा की तरह। उनसे हर दिन पूछा जाता है कि आप कौन सी सब्जी आज और खाने में क्या क्या या नाश्ते में क्या क्या लेना पसंद करोगे, और उसी के अकॉर्डिंग जो है वहाँ से ऑर्गेनिक खेत हैं इसके राष्ट्रपति भवन के पीछे। ये धौलाकुआं तक का एरिया है, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इसके पीछे है। सो गाइस, बढ़ते हैं आगे की तरफ और मैं आपको बिल्कुल काफ़ी क्लोज से दिखाऊँगा ये सारी चीज़ें। बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर एंट्री हर किसी की है, लेकिन ऑनलाइन जो है वो एक टिकट जो है आपको जो है वो टिकट, एक तरह का पास जो आपको जो है वो आपको बुक करना होगा। उसको दिखाने के बाद ही आपकी एंट्री होगी। तो एंट्री नहीं होगी, यहाँ पे हाई सिक्योरिटी होती है। यहाँ पे पैरामिलिट्री और मिलिट्री और दिल्ली पुलिस का जो है सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है। तो एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता इनकी इजाज़त के बगैर। क्लियर की बात करूँ तो वो आपको वाइट कलर का दिख रहा होगा, ये सिक्योरिटी लेयर है, ये फर्स्ट सिक्योरिटी लेयर है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं। देन उसके बाद बीच में पैरामिलिट्री के जवान भी जो है वो दिख रहे होंगे आपको। और ये ओवरव्यू मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से, यहाँ पे नॉर्मली एंट्री हो सकती है, इससे आगे एंट्री नहीं है। फिर दिल्ली पुलिस के जवान और जो मिलिट्री के जवान है, आर्मी के जवान है, वो तैनात हैं। ये हैं यहाँ पे चेक पोस्ट, यहाँ की एंट्री ले रहे हैं वो, ऑलरेडी जो है पास है उनके पास। तो गाइस, आप मेरे पीछे बैक साइड पे देख सकते हैं, ये है राष्ट्रपति भवन और ये लेयर है एंट्री का, मींस बैरिकेड लगे हैं। इससे आगे आप नॉर्मली विजिट नहीं कर पाओगे। आगे अगर आपको एंट्री लेनी है तो उसके लिए पास या टिकट आपको लेनी होगी, एंट्री होगी। चेक पोस्ट की बात करूँ तो यहाँ सिक्योरिटी हाई अलर्ट सिक्योरिटी है। ये जो वाइट कलर के आपको टेंट से दिख रहे हैं ये वाले, ये सिक्योरिटी आर्मी के अंडर में ये दिख रही है आपको यार। आर्मी के जवान जो है, जहाँ इंडियन आर्मी हो वहाँ जो है कोई किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो एक्चुअली हुआ क्या कि मेरे पास भी टिकट नहीं है, तो मेरी भी एंट्री यहीं तक है। बाकी का जो एरिया है वो मैं किसी और दिन कवर अप करूँगा। तो गाइस, यहीं तक एंट्री और परमिशन भी यहीं तक है। इससे आगे जो है वो होंगे आर्मी के जवान तैनात हैं। और ये मीडिया जिसकी मैं बात कर रहा था, 24/7 यहाँ पे जो है तैनात है आर्मी और मीडिया भी। यहाँ कोई चूक नहीं है, यहाँ इनको जो है प्री ऑर्डर मिले होते हैं जो है सूट के। यहाँ से जो है वापस चलता हूँ और वापस मैं आपको विजिट कराऊँगा यहीं से इंडिया गेट की तरफ। क्या कुछ नया हुआ है, क्या कुछ बदला है सिक्योरिटी में, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। वो सिक्योरिटी पोस्ट जिसकी मैं बात कर रहा था, जो कि अंडर दिल्ली पुलिस के अंदर में है। और ये वैन आपको दिख रही होगी, ये स्टाफ की वैन है जो पैरामिलिट्री और
दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं जो यहाँ पे जो है ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, अपने जो जो ड्यूटी में तैनात हैं सिक्योरिटी पर्पस से, उनके लिए है ये जो है, उनको ले एक तरह की कैब फैसिलिटी आप मान सकते हो उनके लिए। आपके अकॉर्डिंग आपको दिख रहा होगा तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पे, बच्चों के खिलौने मिल जाएंगे। इसके अलावा फॉरेनर की एंट्री है, फॉरेनर काफ़ी विजिट करते हैं इंडिया गेट की तरह, और ये मैं पास पहुँच चुका हूँ इंडिया गेट के, ये अंडर पास बन चुका है जो कि मौजूदा गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी की गवर्नमेंट ने बनाया है और काफ़ी खूबसूरत बनाया है। ये एक सही भी है, सेफ्टी भी है और इससे ट्रैफिक भी डिस्टर्ब नहीं होता और जो आने जाने वाले लोग हैं वो सेफ्टी से इजीली जो है वो क्रॉस कर लेते हैं। ये सीधा निकलता है इंडिया गेट के पास में ही। इसके अलावा यहाँ पे जो है पहले टॉयलेट्स नहीं थे, अब वॉशरूम नहीं थे, लू नहीं था, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं अभी। और ये कुछ सीनरी आपको दिख रही होगी मेरे पीछे जो कि न्यू संसद भवन जो बना है उसका भी है, और ये फॉरनर जैसे मैं बता रहा था आपकी, इनकी एंट्री तो काफ़ी विजिट होती है यहाँ पर, इनकी होना भी चाहिए एक्चुअली। जो है इंडिया गेट फेमस है, ये जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार में जो शहीद हुए थे इंडियन आर्मी के जवान, उनकी की श्रद्धांजलि में बनाया गया इंडिया गेट। इसके बीच में जो है पहले गांधी जी की सरकार ने बीच में जहाँ पे जवान तैनात हैं यहाँ पे अमर ज्योति, अमर जवान ज्योति के नाम से एक ज्वाला प्रज्वलित की थी जो कि दिन रात 24 घंटे चलती रहती थी, वो शिफ्ट कर दी है मौजूदा गवर्नमेंट ने। एक दूसरा एक परमवीर योद्धा स्थल इन्होंने जो है क्रिएट किया है, और एक इन्होंने जिसके सामने ही जो है ये दो शेर सिख रेजिमेंट के जो कि तैनात हैं अभी, सिख रेजिमेंट की ही अंडर में अभी है यहाँ पे। एक्चुअली क्या होता है कि जो पीस में जो जवानों की ड्यूटी होती है वो 3 साल बॉर्डर पे या 3 साल पीस में रहते हैं, तो अभी ये जो जवान है वो पीस के एरिया में है। पीस बोले तो ये बॉर्डर की तरह यहाँ पे जो है वो इस तरह का डिस्टर्बेंस नहीं है, सिक्योरिटी तो प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन। और ये क्राउड आपको दिख रहा होगा धीरे धीरे बढ़ता हुआ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का स्टैचू, कि ये भी मोदी जी की गवर्नमेंट की बदौलत है। पहले यहाँ पे किसी एक फॉरेनर का एक अंग्रेज शासक अंग्रेज ऑफिसर का एक स्टैचू था जो कि काफ़ी विरोध के बाद हटा दिया गया था, और ये जो एरिया था ये खाली पड़ा हुआ था। तो यहाँ पे जो सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा है वो स्थापित की गई है, और स्टेचू तो काफ़ी बड़ा या लगभग इंडिया गेट के बराबर होना चाहिए था, जिस तरह से उन्होंने जो कुर्बानी दी है इंडिया के लिए और इंडियन आर्मी को जिस तरह से उन्होंने संगठित किया है देखिए फौज के नाम से, आप से उनका कद काफ़ी बड़ा होना चाहिए स्टेचू का, उनका कद तो है ही काफ़ी बड़ा। साइड से वाटर पार्क आपको दिख रहे होंगे इंडिया गेट के बगल में है, ये ऊपर का एरिया भी दिखा रहा हूँ इसमें आपको, भी लोग काफ़ी विजिट करते हैं दोनों साइड में जो है। और ये एक बार फिर आप देख पा रहे हो सिख रेजिमेंट के जवान जिनकी मैं बात कर रहा था, इनने बहुत सारी चीज़ें तो अपग्रेड की हैं जवानों के लिए, जैसे कि इनके पास जो ऑटोमेटिक एसोल्ट राइफल आप देख पा रहे हो, ये एसोल्ट राइफल पहले जो होता था वो AK-47 लेके घूमता रहता था जवान। AK-47 भी काफ़ी अच्छा वेपन है और कई ऑपरेशन में जो है वो इंडियन आर्मी जो है उसको यूज़ करती है। अपग्रेड तो होना चाहिए, हर चीज़ होनी चाहिए, लाइक इनकी फाइबर वाली बुलेट प्रूफ आपको दिख रही होगी, और इसके अलावा जो है कॉस्ट्यूम भी चेंज हो चुकी है इंडियन आर्मी की, पुरानी कॉस्ट्यूम में जो है वो तैनात है, और जो न्यू कॉस्ट्यूम है वो थोड़ा कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं उसमें, जैसे कि कलर तो वही है लेकिन जो नेका है मींस जो इंस्ट्रक्शन है वो थोड़ा चेंजेस है। बच्चे बूढ़े आपको जवान सारे मिल जाएंगे यहाँ पे, क्राउड काफ़ी अच्छा है। यहीं तक की विजिट थी मेरी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा तक की, मिलते हैं नए वीडियो में।